बिहार के कई जिलों में मानसून ने दस्तक जरूर दे दी है, लेकिन बारिश पर ब्रेक लग गई है। जी हां, बारिश होने की संभावना नहीं है, जिसकी वजह से अरब सागर से उठा साइक्लोन बिपरजॉय है। साइक्लोन से मानसून पूरी तरीके से एक्टिव नहीं हो पा रहा है। इस साइक्लोन के चलते अररिया, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज में मानसून ठहर गया है। प्रदेश के दूसरे जिलों में लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी पटना में तेज हवाएं चल रही हैं। प्रदेश में मानसून कब तक एक्टिव होगा? साइक्लोन का असर प्रदेश पर क्या पड़ेगा, इस पर आपसे बात करते हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में अगले 4 से 5 दिनों तक हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। इस दौरान तापमान 40 से 44 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। 18 जून से मौसम में सुधार होने की संभावना है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshant.com। अब आपको बता दें, मानसून भी अरब सागर से बंगाल की खाड़ी के रास्ते होते हुए एंट्री कर रहा है। अरब सागर में ही अब बिपरजॉय तूफान आया हुआ है, इसके चलते मानसून स्थिर है। प्रदेश में मानसून के विस्तार की स्थितियां अभी अनुकूल नहीं बन पा रही हैं। राज्य के खासकर दक्षिण भाग में हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। अगले 4 से 5 दिनों तक बिहार का तापमान 40 से 44 डिग्री के बीच रहेगा। 18 जून के बाद से तापमान में गिरावट आएगी। गुरुवार को प्रदेश के 4 जिलों में सीनियर हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया, जिसमें शेखपुरा, नवादा, भोजपुर, औरंगाबाद शामिल है। वहीं नालंदा, गया, रोहतास और सिवान में हीट वेव की संभावना व्यक्त की गई है। आज प्रदेश के 7 जिलों में बारिश होने की संभावना है। बता दे चले, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज शामिल है। जिले में कल आंधी से भारी नुकसान हुआ है। कई पेड़ और 184 हाई टेंशन व LT पोल गिरे हैं। 18 ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। बात करेंगे सीतामढ़ी की, इसकी वजह से 12 लाख की आबादी प्रभावित हुई है। मधेपुरा और किशनगंज में आंधी और बारिश हुई है। तो एक बार फिर से आपको बता दे चले, बिहार के कई जिलों में मानसून ने दस्तक जरूर दे दी है, लेकिन बारिश पर लगातार ब्रेक लग गई है। बारिश होने के आसार नहीं दिख रहे हैं, इसकी वजह अरब सागर से उठा साइक्लोन बिपरजॉय है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर UKG के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।